अंदर आ। विजय जी नमस्ते। क्या हो रहा है? आप मुझे फोन कर देते मैं आ जाती। आप ऐसे अचानक आ गए, सब ठीक है ना? ऐसे अचानक बेटी के ससुराल में अपनी व्हीलचेयर लुढ़काते लुढ़काते किस खुशी में आए हो? मुझे तुझसे बात करनी है, मुझे तुझसे अकेले में बात करनी है बंधु। बात करनी है तो अपनी चिड़ियाघर में बुला लेते, ऐसे जैसे फटा पोस्टर और निकला हीरो पर दो पाँव में नहीं दो पहियों पे इधर क्यों घुस आए हो? शायद आपने सुना नहीं पन्नी जी, मैं अपनी बेटी से बात करने यहाँ आया हूँ। सोनिया कुणाल का बीता हुआ कल है और बंधु आज। बीता हुआ कल और आज कभी एक साथ नहीं रह सकते और आपने इस लड़की को इस घर में बुला दे दी। सही लगता है आपको? और दूरे इसके लिए हाँ करने से पहले तेरा आपका सम्मान मर चुका था क्या? कैसे जान रहा हूं? जो हो रहा है वो देखकर ना जिंदा रह सकता हूं ना शाम। ऐसा मत बोलिए ना प्लीज। तो तू तो शर्म कर थोड़ी, पर इसे भी कह दे ठीक पर और बेशर्मी की हदें ना लांगे। तुम्हारा रिश्ता प्यार का रिश्ता नहीं है, जिम्मेदारी का रिश्ता है। जिम्मेदारी दो तरफ से निभाई जाती है बंधु, सिर्फ एक तरह से जो निभाया जाता है वो समझौता होता है। समझौता तुझे अगर इसके यहां रहने से कोई दिक्कत नहीं हुई तो मैं किसी को कुछ बोलने के लायक नहीं रहूंगा। इसे कोई दिक्कत नहीं हुई तो मैं किसी को कुछ बोलने के लायक नहीं रहूंगा। वो तू आपका दर्द समझ रही हूँ तो बाबा, कभी कभी ना सही गलत में नियत का फर्क होता है बस। और मुझे पता आपको ये सब कुछ गलत लग रहा है, यह सबकी नियत सही है। इसकी नियत उसके पास, मैं सिर्फ इतना जानता हूं इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। तुझे इस लड़की को घर से बाहर निकलने का रास्ता दिखा नहीं होगा। ये घर ना चलकर इस घर में किसे लेना है, किसे बाहर निकालना है, ये शादी हो चुकी है तेरी उससे, सारे फैसलों में बराबर की हकदार है तू। तू शादी हो चुकी है तेरी उससे, तू पति है उसकी। अब इस घर में तारा की माँ बन के आई। हाँ हाँ मैं सब जानता हूँ, तुम्हारा रिश्ता प्यार का रिश्ता नहीं है, तुम्हारा वो जिम्मेदारी का रिश्ता। जिम्मेदारी दो तरफा होती है, जो एक तरफा निभाई जाए वो सिर्फ समझौता होता है। रिश्ता मेरे लिए समझौता नहीं, मेरी मर्जी है। अब हम तो क्या करना चाहेंगे, आते ही घर के अंदर एक बम आपने फोड़ दिया है तो क्या कुछ बता चाहेंगे? सोनिया मुझे लगता है अपने साथ बॉम्ब लेके आई थी, बना के आई थी कि बस जाके फोड़ने हैं, कहाँ कहाँ फोड़ने हैं वो नहीं पता। पर जिस हिसाब से सारी सिचुएशंस चल रही हैं वैसे वैसे सोनिया अपना काम कैसे करना है, कैसे फ़ायदा उठाना है, वही सब सोनिया के दिमाग में चल रहा है कि कैसे कुणाल और वंदना को अलग ही रखना है। बिल्कुल, तो इस चीज़ में कहा था आप लाइक कामयाब होंगे, और बंधु किस तरीके से इस चीज़ से बच पाएगी या फिर बंधु बच पाएगी या नहीं बच पाएगी सोनिया से, ये तो वक्त ही बताएगा, आगे की स्टोरी ही बताएगी। पर सोनिया अपना 100% देगी कि किस तरीके से और सिचुएशंस वर्स्ट करनी है।